Assalamualaikum everyone and welcome back. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हैं. तो अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी कुछ पल की होती है और इंसान को उसके खूब तरीके से अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए. अब मेरा इंजॉय करने का मतलब आप लोग ये ना ले लीजिएगा कि डेक लाओ, नचो गाओ तो ज़िंदगी ख़त्म. ऐसा नहीं है भाई, आगे जाके हिसाब भी देना है. इसलिए अच्छे से मुराद ये है खुद भी खुश रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें. लेकिन अब मसला यहाँ ये आ जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी खुश हो ही नहीं सकते. तो फिर मैं उनके बारे में ये कहूँगी और अनु छड्डो परे तब उसी रेसिपी फॉलो करो. तो यहाँ पर मैंने चिकन को कोई मैरिनेट नहीं किया था, जस्ट मैंने उसमें उसको वैसे ही पैन में रखा, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाला, जस्ट अ लिटिल बिट. ये ना हो कि आप पूरा ऑयल की बॉटल ही उसमें डाल दो. उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला था, जैसे कि आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि मैंने उसमें आई थिंक गार्लिक पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, सॉल्ट और साथ में मैंने ऑरेगानो डाला है. तो मैंने इसके बाद आई थिंक इसमें थोड़ा सा जो था ना वो सोया सॉस भी डाला था. तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को कैसा पसंद है. कुछ लोग जो है ना वो लाइक करते हैं कि स्पाइसी हो चिकन, और कुछ लोग कहते हैं इतना स्पाइसी ना हो भाई, नॉर्मल हो तो हम खा लेंगे. तो बात ये है कि पिज़्ज़ा घर में बनाने में ना लाइक थोड़ा सा आप एंटरटेन हो जाते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है. लाइक अगर आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 24 घंटे फ़ोन पर लगे रहते हैं या कुछ मोबाइल्स और टीवी स्क्रीन्स देखते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आप बच्चों को साथ लगा सकते हैं और अपने घर में जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी कर सकते हैं. इस दफ़ा है ना मेरा पिज़्ज़ा थोड़ा डिफरेंट वे बनाने का प्लान हुआ. नॉर्मली जो होता है मैं वैसे ही बनाती हूँ, जस्ट मैंने इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजेस किए हैं जस्ट डो बनाने में. लाइक नॉर्मल जो जैसे नीड करते हैं वैसे की है, लेकिन जब मैंने इसको शेप दिया ना उसमें ये है चीज़ स्टिक्स. तो मैंने इनके लाइक मैंने एक पिज़्ज़ा एक जगह से खाया था और मुझे इतना पसंद आया था, उसके अंदर वो जो क्रस्ट था वो चीज़ी चीज़ी था. तो मैंने सोचा कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं और घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं ऐसा चीज़ी क्रस्ट पिज़्ज़ा. तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ थी, लाइक ये फोर्ड चीज़ और चेडर चीज़ और एक और थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट चीज़. तो बस ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ डालें जो मैं डाल रही हूँ, जो भी चीज़ आपके पास ईजीली अवेलेबल है ना वो बस इसमें डाल दें. अब किचन में जब भी मैं कुछ नया बना रही होती हूँ ना, लाइक अगर नॉर्मली भी मैं कुछ कुक कर रही हूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं साथ साथ जो दूसरे काम होते हैं ना वो भी करती रहती हूँ. लाइक अब जैसे कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह थे जो कि फ्रिज में रखने थे और काफ़ी दिनों से बाहर पड़े हुए थे. अब ये बात नहीं है कि ये वैसे ठंडे नहीं थे, बिकॉज़ वेदर यहाँ पे वैसे इतना ठंडा है, सर्द है, तो फिर वैसे ही बाहर ड्रिंक्स ठीक रह जाते हैं. लेकिन मैंने कहा ठीक होता है अगर हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो. तो फिर मैंने सारी चीज़ों को जो है अपनी जगह पर रखा और साथ साथ मैं काम भी करती रही. तो जस्ट बिकॉज़ हमने वो जो कोक है, फिजी ड्रिंक्स हैं, हम लोगों ने उनका बायकॉट किया हुआ है, हम लोग बिल्कुल नहीं खरीद रहे. और मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदूँ जो कि इसराइल को सपोर्ट करे. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जहाँ तक कोशिश है हम लोग दुआएँ कर रहे हैं और उनके चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं कि ऐसा, बिकॉज अब हम कहते हैं ना कि क्या हो जाएगा अगर हम बंद कर देंगे. तो भाई ये एक तो हमारी अल्लाह ताला ने नेकी देखनी है कि हम क्या कर सकते हैं. हम लोग कहते हैं ना कुछ कर नहीं सकते, तो ये थोड़ा बहुत करना चाहिए तो बहुत फ़र्क पड़ता है. तो वापस रेसिपी पे आते हैं. तो ये चीज़ स्टिक्स मैंने ऐसे रखी थी पिज़्ज़ा में, पहले उसको बेला, लाइक बरसा उसको सर्कल बना लिया उसका, और उसके बाद उसमें पिज़्ज़ा सॉस होता है अवेलेबल, ठीक है, वरना छड्डों पर, और नॉर्मली जो आपके पास चिली गार्लिक होती है ना उसको सारा स्प्रेड करके आप इजीली बना सकते हो. और मैं इसमें बिकॉज इजीली वे में बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कोई डिफरेंट या मुश्किल तरीका हो. और साथ में चीज़ स्टिक्स रखें, लेकिन आप जो है ना पिज़्ज़ा सॉस लगाने से पहले चीज़ स्टिक्स डाल लीजिएगा, उससे ये होगा कि आपका चीज़ स्टिक्स अच्छे से जो है ना वो बंद हो जाएगा. तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था करने में, लेकिन हो गया था. और इसके बाद मैंने अपना चिकन इसमें रखा. और बी केयरफुल होना पड़ता है बिकॉज बहुत ज़्यादा जब आप चीज़ें डाल लेते हो ना तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको पिज़्ज़ा ट्रे में रखने के लिए. तो जब आप चीज़ स्टिक्स डाल लो तो आप फ़ौरन उसको पिज़्ज़ा ट्रे में डाल दो, बिकॉज इससे ठीक रह जाता है. आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप लोग जब उसको बेल लेते हो ना तो साथ में उसको पिज़्ज़ा ट्रे में रख दो अपना पिज़्ज़ा डो को, और साथ में उसके बाद चीज़ स्टिक्स में उसको बंद करके और ऊपर से जो भी आपने टॉपिंग्स वगैरह डालनी है. तो दिस इज़ वेरी ईजी वे. और इसके बाद मैं ऑलिव्स इसलिए नहीं डाल रही बिकॉज़ मुझे ऑलिव्स पसंद है, लेकिन
जिन्होंने खाने हैं मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनको नहीं पसंद। तो फिर मैंने कहा चलो जी, कभी कभी अपनी खुशियों को मारना पड़ता है दूसरों की खुशियों के लिए। अच्छा, ये एक बहुत बेस्ट टिप है, लाइक जब आप पिज़्ज़ा बनाते हो ना, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ यूज़ करो तो उसका जायका जो है ना वो इन्हांस हो जाता है, उससे ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनता है। आया, मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था एंड आई वाज सो टेस्टी, इतना अच्छा था कि दिल करता था बस खाई जाएं। तो बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तो भाई सब्सक्राइब कर, कुछ जाएगा नहीं आपका। So see you in the next one. Allah Hafiz.